हाँ जी, तो व्हाट एक्चुअली इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक, तो इसको डिफाइन करने के लिए एक ध्यान से देखना, लेट एफ इज फ्रॉम ए टू बी। ठीक, ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा एफ। ठीक है, लेट एफ इज फ्रॉम ए टू बी इज एन वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक, ये गिवन है कि एफ जो है वो वन वन ऑन टू फंक्शन है। ठीक, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी ऑफ एक्स डिफाइंड एज जी फ्रॉम बी टू ए। ठीक, जो पहले ए टू बी था वो उल्टा हो गया बी टू ए। अब जी क्या करेगा, बी के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करेगा। ठीक, एंड इफ एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी देन जी ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू ए एंड बीटा बिलोंग्स टू बी। Then g of x is called inverse function of f of x and is denoted as f inverse of x. Sorry. F inverse of x, ठीक, and is not this, ठीक है? हाँ जी, पहले इस चीज का मतलब समझने की कोशिश करो क्या चीज है। Let f is from a to b is a one one on two function, ठीक? तो क्या डेफिनेशन है ये? क्या समझाने की कोशिश कर रहा है ये? वो बोल रहा है कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि फंक्शन जो है, ठीक, पहले तो वन वन ऑन टू होना चाहिए, उसके बाद हम बोल लेंगे कि उसका कोई ना कोई एक अनदर फंक्शन जो एग्जिस्ट करता है जिसके जो उसका लास्ट में जाके जिसको हम उसका इनवर्स बोलते हैं। तो बेसिकली अगर वन वन ऑन टू है तो ही जाके उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, पहली कंडीशन तो ये आ गई। ठीक है, अब ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो कि अगर वन वन ऑन टू के अलावा कोई केस हुआ, ठीक, हमारे पास क्या क्या केसेस है, ध्यान से देखो, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू, तो चार केसेस है हमारे पास। ठीक, वन वन इन टू, वन वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू, इस तरीके से हमारे पास टोटल चार केसेस हैं, समझ आया चीज। अब इन चारों केसेस के अंदर पहला वन वन ऑन टू, दूसरा वन वन इन टू, तीसरा वन मैनी वन ऑन टू, चौथा मैनी वन इन टू। ठीक, ये चार केसेस हैं। अब चारों का हमें मतलब पता है, ठीक, डिटेल में, तो इन चारों के अंदर से अगर मैं देखूं कि क्यों वन वन ऑन टू का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बाकियों का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक, ऐसा क्यों होगा। ठीक, तो ये चीज समझने के लिए अगेन थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखो क्या चीज है। तो मैंने एक फंक्शन लिया ए बी एंड सी, ठीक, एंड वन टू। अब ध्यान से देखना, ये तुम्हारा ये, अब ये कौन सा है, मैनी वन एंड ऑन टू, इधर का कोई एलिमेंट खाली नहीं है तो ऑन टू, इधर के दो एलिमेंट एक के साथ रिलेटेड है तो मैनी वन होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो फंक्शन है ना एफ, ठीक, अब पता है एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, ये जो एरो हमने बनाए है ना, ये एरो एग्जैक्टली उल्टे कर दो उसको एफ इनवर्स को, ठीक, ये बहुत ईजी लैंग्वेज में तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक, ये एरो उल्टे कर दो, मतलब जो ए वन के साथ रिलेटेड था ये ए वन के साथ रिलेटेड था उसका उल्टा कर दो, वन इज रिलेटेड, ऐसा हो जाएगा। ऐसे जो बी वन के साथ रिलेटेड है वो क्या हो जाएगा, वन इज रिलेटेड टू बी, ऐसा हो जाएगा। सी इज रिलेटेड टू टू तो टू इज रिलेटेड टू सी हो जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा एफ इनवर्स। एंड ये ए था, ये बी है, तो ए इज रिलेटेड टू बी था, ऐसे अब क्या हो जाएगा, ये ए ही रहेगा, ये बी रहेगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा, नाउ बी इज रिलेटेड टू, इसलिए इसको बोलते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है वो बी टू ए होता है इफ एफ इज फ्रॉम ए टू बी। अगर एफ ए टू बी है तो एफ इनवर्स क्या होगा, बी टू ए। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, जो बेसिकली एफ इनवर्स होता क्या है, इनवर्स फंक्शन, जो ऊपर हम ये चीज डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये चीज है क्या चीज,
ठीक है, मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एफ इनवर्स करेगा क्या, कि अगर एफ क्या करता है, ए को वन के साथ रिलेट करने की कोशिश करता है, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ये, इस चीज का मतलब क्या होता है, ए इज रिलेटेड टू वन, ठीक, इस चीज का मतलब होता है ये, ए इज रिलेटेड टू वन, तो एफ इनवर्स क्या करता है, इसका उल्टा ऑर्डर पेयर डिफाइन करने की कोशिश करता है, वन कोमा ए, ये डिफाइन करने की कोशिश करता है, यानी कि उल्टा रिलेशन, दैट इज वन इज रिलेटेड टू ए, ये चीज को डिफाइन करने की कोशिश करता है, ठीक। तो जिसका जिसके साथ रिलेशन है, देखो पहली बात तो मैथ्स में क्या होता है कि ये जो ए कोमा बी ऑर्डर पेयर है, इसका मतलब होता है ए इज रिलेटेड टू बी, इट डज नॉट मीन बी इज रिलेटेड टू ए, ठीक। तो जो उल्टा रिलेशन होता है, एफ जो है, एफ इनवर्स जो है, ये उसको डिफाइन करने की कोशिश करता है, इससे एरो उल्टे हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं होगा। तो ए अगर वन के साथ रिलेटेड था, तो इसका मतलब क्या है कि एफ के अंदर क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, ए कोमा वन आ रहा है, फिर बी कोमा वन आ रहा है, ठीक, फिर सी कोमा टू आ रहा है, ठीक। तो एफ इनवर्स क्या करेगा, एफ इनवर्स के अंदर क्या क्या आएगा, वन कोमा ए आएगा, वन कोमा बी आएगा, एंड क्या आ जाएगा, टू कोमा सी आ जाएगा, ठीक। एफ इनवर्स के अंदर ये तीन ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ए वन के साथ रिलेटेड था, अब वो वन ए के साथ रिलेटेड है, बी वन के साथ रिलेटेड था, अब वन बी के साथ रिलेटेड है, सी जो टू के साथ रिलेटेड था, अब टू सी के साथ रिलेटेड है, ठीक है, इस तरीके से डिपेंड, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये बिल्कुल बेसिक मीनिंग था इनवर्स फंक्शन का, ठीक है, और भी आगे आएगा। हाँ जी अनन्या, बोलो ना प्लीज। सर, जो आपने इनवर्स फंक्शन बनाया, वो फंक्शन ही नहीं है। अरे हाँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ, इनफैक्ट मैं उसी पॉइंट पे भी आ रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने ऊपर क्या बोला है, ध्यान से देखो, ऊपर के हमने क्या बोला है कि जो वन वन ऑन टू है, उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। हाँ जी ना, राइट, हमने तो वन वन ऑन टू का बोला ना, नीचे मैंने एग्जाम्पल कौन सी दी है, मैंने मैनी वन की एग्जाम्पल दी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए यही चीज समझानी है कि इसका इनवर्स जो होगा वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। अब ध्यान से देखो सारे बाकी, ठीक है, ए वन के साथ रिलेटेड है, बी वन के साथ रिलेटेड है, इसका इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, वन ए के साथ रिलेटेड होगा, वन बी के साथ रिलेटेड होगा। नाउ दिस विल बिकम द डोमेन, ठीक है, ये डोमेन बनेगा, ठीक, एंड ये बनेगा कोडोमेन, ठीक। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका वन मैनी, अब ये बन जाएगा वन मैनी। वन मैनी का मतलब क्या है कि वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट्स, यानी कि अब डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है। तो अगर यूनिक इमेज नहीं है, इट इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, ये फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। तो अगर ये फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मैनी वन फंक्शन होगा, तो मैनी वन फंक्शन का, ठीक, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक। क्यों? क्योंकि मैनी वन का जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो वन मैनी हो जाएगा, और वन मैनी इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। तो जो साइन है, इसका इनवर्स नहीं होता, कॉस है, इसका इनवर्स नहीं होता, ठीक, टेन है, इसका इनवर्स नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे मैनी वन फंक्शन है, ठीक, लेकिन स्टिल इनका इनवर्स डिफाइन किया जाता है। तो इनका इनवर्स किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक, वो भी चीज मैं समझाता हूँ, आई थिंक मैंने पहले बताई हुई है, बट स्टिल कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा। अब आते हैं ऑन टू पे, ठीक, ऑन टू एंड इन टू का। तो अब ये सोचो कि अगर मैंने ये चीज ली एग्जाम्पल, ठीक, अगेन एफ लिया जो कि ए टू बी जा रहा, ठीक, तो इसके अंदर है ए बी सी, इसके अंदर वन टू थ्री फोर, मान लो ये ऐसा है, ठीक, ये एफ इनवर्स, ये एफ है, ठीक। अच्छा, मैंने एफ इनवर्स डिफाइन किया बी टू ए, अब बी टू ए हो जाएगा, बी पहले लिखता हूं, वन टू थ्री फोर, इधर आ जाएगा आपका ए सेट, ए बी सी, एंड उल्टा एरो आ जाएगा। उल्टा एरो का मतलब क्या है, ए अगर वन के साथ है तो वन ए के साथ हो जाएगा, ठीक, बी अगर थ्री के साथ है तो थ्री बी के साथ हो जाएगा, एंड फोर सी के साथ हो जाएगा, ठीक। अब ये ऑन टू था, वाई, बिकॉज कोडोमेन में टू एलिमेंट ऐसा है जिसका इमेज नहीं है, ये प्री इमेज नहीं है, राइट। अब जैसे ही इनवर्स फंक्शन बनेगा, तो ये जो सेट बी है, ये डोमेन बन जाएगा, तो ये डोमेन के अंदर अब जो एलिमेंट टू है, इसका इमेज ही नहीं है, इसका इमेज ही नहीं है, तो अगेन ये डेफिनेशन के अगेंस्ट हो जाएगा। यानी कि इफ एफ इज ऑन टू, इफ एफ इज ऑन टू, देन सॉरी, इफ एफ इज इन टू, ठीक, इफ एफ इज इन टू, ठीक, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट
वन एलिमेंट इन कोडोमेन विच हैज नो प्री इमेज एंड इन दिस केस इफ एफ इनवर्स is calculated, then its domain will have at least one element which has no image. ठीक? Therefore Not a function. वो function की definition के against हो जाएगा, क्योंकि function की definition क्या बोलती है कि domain के हर एक element के अंदर क्या होना चाहिए, domain के हर एक element का जो है वो related होना चाहिए, उसका image होना चाहिए. ठीक. तो again ध्यान से देखो, codomain में अगर कोई खाली element है तो जब उसका inverse निकालेंगे वो domain बन जाएगा, तो domain में खाली element आ जाएगा, यानी कि उसका कोई भी image नहीं होगा. तो अगर domain के कोई ऐसा element exist करता है जिसका image ही नहीं है, right? तो ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है कि गेम चला जाएगा, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोलती है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन डोमेन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन कोड में. ठीक. तो हम फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं. तो इस तरीके से देखा जाए तो जो ऑनटू इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि उसका जो इनवर्स होगा वो भी फंक्शन के डेफिनेशन के अगेंस्ट जा रहा है. तो इसलिए हमारे पास बचा क्या, इनटू नहीं होना चाहिए. ठीक. तो यानी कि ऑनटू होना चाहिए. मेनी वन नहीं होना चाहिए, यानी कि वन वन होना चाहिए. इसलिए जो वन वन में वन वन ऑन टू फंक्शन होता है, वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी फंक्शन होना चाहिए. तो ये जो फंक्शन होता है सिर्फ इसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तभी जाके वो फंक्शन होगा, इन्वर्टिबल होगा. तो मैं ये चीज बोलूंगा अभी कि इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज वन वन, यानी कि इंजेक्टिव and onto, that is surjective, ठीक, और मैं दोनों को बोलूंगा bijective, इकट्ठा. बेसिकली क्या है, अगर एक फंक्शन वन वन ऑन टू है और bijective है, ठीक, then it is invertible, then only it is invertible. Invertible का मतलब क्या है कि invertible का मतलब है its inverse exist, its inverse exist, तभी जाके एक function का inverse exist करेगा, otherwise उसका function का inverse exist नहीं करेगा. तो अगर हमें किसी भी चीज को prove करना है, school level पे भी, board level पे भी, कि अगर एक function का inverse exist करता है या show that a function is invertible, ठीक, तो हमें क्या prove करना है कि वो जो function है वो one one on two है. ठीक. वो इंजेक्टिव भी है, वो सर्जेक्टिव भी है, ये चीज को हमें प्रूव करना पड़ेगा. ठीक. ये चीज समझने की कोशिश करना. ठीक है. अच्छा, तो एक तो ये चीज हो गई. ठीक. देन अब आ जाओ फिर ऊपर, फिर डेफिनेशन को फॉलो करते हैं. ठीक. वो क्या बोल रहा है अभी अगेन कि लेट अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज वन वन ऑन टू. अब चलो, अब दे रखा है कि वन वन ऑन टू है, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अब इनवर्स को डिफाइन किस तरीके से करेंगे, अब वो चीज आ गई. देन वो क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन है जी, जो कि f अगर a टू b है, ठीक, f अगर a टू b है तो g एग्जिस्ट करेगा b टू a, यानी कि इसके अंदर क्या आता है, f क्या कर रहा है, a के एलिमेंट्स को b के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसी के पैरेलली g क्या करेगा, उल्टे एलिमेंट्स को रिलेट करने की कोशिश करेगा, यानी कि b सेट के एलिमेंट्स को a सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करेगा. लेकिन जरूरी नहीं है कि अभी तक, देखो अभी तक सिर्फ अगर मैंने ये चीज बोल दी तो जरूरी नहीं वो इनवर्स होगा. क्यों? क्योंकि अगर ये a है, ये b है, ठीक, ये वन टू है, ए बी है, तो वन इज रिलेटेड टू बी, टू इज रिलेटेड टू ए, राइट. अब अगर मैं ये एफ है, ये जी को मैं इस तरीके से डिफाइन करूं कि ये इधर ए एंड बी हो जाए, इधर वन एंड टू हो जाए, तो वन कुड बी रिलेटेड टू ए एंड टू कुड बी रिलेटेड टू बी. अब देखो, ये भी जी है जो कि बी टू ए जा रहा है, राइट, लेकिन ए क्या है, ए को मैंने वन के साथ रिलेट करने की कोशिश की, लेकिन इधर वन का बी के साथ रिलेशन था. तो कहने का मतलब ये चीज कि अगर मैंने जी को बी के साथ बी टू ए बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं वो इनवर्स हो जाएगा, ये आगे कंडीशन है जो उसको इनवर्स बनाती है. अब इनवर्स का मतलब क्या है, ध्यान से देखो,
अब फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर जो ओरिजिनल फंक्शन था उसके अंदर अगर इनपुट अल्फा दिया आउटपुट बीटा, यानी कि इस चीज का मतलब क्या है कि अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये चीज है अल्फा कोमा बीटा ऑर्डर पेयर, यानी कि अल्फा इज रिलेटेड टू बीटा, इस चीज का मतलब अल्फा, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स के अंदर अल्फा इज रिलेटेड टू बीटा है तो जी ऑफ एक्स के अंदर बीटा इज रिलेटेड टू अल्फा होगा, वो सारे के सारे अल्फा एंड बीटा के लिए, तब जाके जी को हम क्या बोलेंगे एफ का इनवर्स बोलेंगे, अदरवाइज एफ का इनवर्स नहीं बोलेंगे। तो ये जो कंडीशन आई, दिस इज द मेन कंडीशन, ये मेन कंडीशन है तुम्हारी कि जो एफ काम कर रहा है, एफ अल्फा को बीटा के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो जी एग्जैक्टली उसका उल्टा काम करने की कोशिश कर रहा है, जी बीटा को अल्फा के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो जाके वो कंप्लीट डेफिनेशन हमारी बनी है कि यस इन दैट केस हमारा जो जी है वो एफ का इनवर्स होगा, एंड उसको डिनोट करेंगे एफ की पावर माइनस वन के साथ। अब ये पावर माइनस वन का ये डिनोट करने के लिए यूज होता है, ये एक्चुअली में पावर नहीं है, यानी कि इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज नथिंग बट वन बाय एफ ऑफ एक्स रेसिप्रोकल, तो ये चीज हम नहीं बोल सकते जो मर्जी हो जाए, ठीक। तो ये चीज याद रखना, इनवर्स फंक्शन का मतलब रिप्रेजेंट करने का मतलब अलग होता है, ठीक, मतलब इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो अलग होता है, इसका मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। तो अभी तक हमने ये चीज इनवर्स फंक्शन की समझी है, ठीक। अच्छा, एक और चीज, हम इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक, इस तरीके से ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान से देखना ये चीज, ठीक, कि हमने बाय द वे क्या बोला कि एफ अगर ए टू बी है, ठीक, एफ अगर ए टू बी है एंड वन वन ऑन टू है, ठीक, देन एक जी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो बी टू ए होगा, सच दैट कि अगर एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा है देन जी ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा, ठीक, जी ऑफ बीटा इक्वल टू अल्फा होगा, देन हम जाके बोलेंगे कि जो जी है वो एफ का इनवर्स है, यानी कि जी एफ इन्वर्टेबल है, एफ इन्वर्टेबल तो इसी से हो जाएगा, पहली बात एफ इन्वर्टेबल प्रूव करने के लिए हमें जी तक जाने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात तो ये समझो, ठीक, अगर एफ इन्वर्टेबल प्रूव करना है तो हमें जी तक जाने की जरूरत नहीं, हम बोल देंगे कि एफ अगर वन वन टू है वो इन्वर्टेबल तो हो गया, लेकिन अगर इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करना है कि हाँ इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, क्या होगा, कैसा होगा, राइट, वो क्या काम करेगा, तो ये वो डिफाइन करता है कि जो इनवर्स फंक्शन है वो पहली बात तो एफ का उल्टा होगा, वो बी टू ए होगा, एंड अगर एफ अल्फा को बीटा के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है तो जी है वो बीटा को अल्फा के साथ रिलेट करने की कोशिश करेगा, ठीक, इस तरीके से एफ को हम डिफाइन करेंगे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इन दोनों चीजों को ध्यान से देखता हूँ, ठीक, तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, जी ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा दे रखा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये बीटा की वैल्यू पकड़ के इसके अंदर डाल दी, यानी कि मेरा क्या बन गया, जी ऑफ बीटा, बीटा का मतलब बीटा की वैल्यू क्या, एफ ऑफ अल्फा, तो बेसिकली यहाँ पे बीटा की जगह एफ ऑफ अल्फा डाल दे, तो ये बन गया एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ये रहा, ठीक, तो ये बीटा की वैल्यू इधर डाल दी तो ये बन गया, ऐसे ही ये अल्फा की वैल्यू दैट इज जी ऑफ बीटा, ये अल्फा की वैल्यू मैं इधर डाल दू तो मेरा क्या बन जाएगा, दैट इज नथिंग बट क्या बन जाएगा, एफ ऑफ अल्फा की जगह अब क्या आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फा की जगह आ जाएगा जी ऑफ बीटा, तो जी ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा, ये दो चीजें। तो बेसिकली जो हमने कंडीशन ऊपर लिख रखी थी कि एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा एंड जी ऑफ बीटा इक्वल टू अल्फा, इसका मतलब ये है कि अगर जी हमें कोई भी ऐसा फंक्शन मिल जाए सच दैट, ठीक है, देखो हमारे पास एक एफ फंक्शन है जो ए टू बी है, ये डिफाइंड है, राइट, अगर हमें जी कोई भी ऐसा फंक्शन मिल जाए जो बी टू ए होना चाहिए, एक सेकंड रुको, हाँ जी, ये ए टू बी होना चाहिए, ये बी टू ए होना चाहिए, ठीक है, तो जी अगर कोई भी ऐसा फंक्शन मिल जाए जो बी टू ए है एंड ये चीज क्या गई, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स गोफ, तो गोफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि जो इनपुट दिया वही आउटपुट आ जाए, एंड सिमिलरली जी ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा, यानी कि जो इनपुट दिया वही आउटपुट आ जाए, तो इन दैट केस हम ये बोलेंगे कि जो जी है वो एफ का इनवर्स होगा, ठीक। अच्छा, हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज। अच्छा, अब हमें मालूम है कि अगर इनपुट इक्वल टू आउटपुट आ रहा है तो उस फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक, तो बेसिकली ये जो चीज है हम ये बोलेंगे कि गोफ इन दैट केस इज आइडेंटिटी फंक्शन एंड फॉग इन दैट केस इज ऑल्सो आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक, हम ये चीज बोलेंगे, ठीक। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो एक्स है, मतलब ऐसा हो जाएगा जी, इस अल्फा की जगह मैं एक्स डाल सकता हूँ, इस बीटा की जगह एक्स डाल सकता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा,
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स सॉरी उल्टा लिख दिया, पहले जी लिखते हैं क्योंकि वही लिखा हुआ है इसीलिए अकॉर्डिंग चलते हैं ठीक। हाँ ये चीज क्या जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स चला जाता है ठीक। इस तरीके से ये चीज चली जाए, अब अगर ये चीज इस तरीके से जा रही है राइट, तो अब ये दोनों x जो है ये सेम है क्या, जनरली लगता है सेम है, लेकिन देखो f इज फ्रॉम a टू b ये डिफाइंड है एंड g इज फ्रॉम b टू a डिफाइंड है ठीक। तो ये इनपुट जो जा रहा है ये वाला इनपुट जो है x, ये f का इनपुट है, f का इनपुट तो a सेट है, यानी कि ये जो x है ये किसको बिलोंग करेगा, a को बिलोंग करेगा राइट। एंड ये x जो है ये g का इनपुट है और g का इनपुट सेट b का एलिमेंट्स है, ये जो x आउटपुट आएगा ये b सेट के एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ये x ओ x विल बिलोंग टू b। तो यानी कि देखने में ये दोनों x सेम लगते हैं बट ये दोनों x सेम नहीं है, ये x f का इनपुट है, ये x g का इनपुट ठीक, और g का इनपुट होता है b सेट और f का इनपुट होता है हमारा a सेट ठीक। इस तरीके से हमने इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश की। अब ये क्या चीज है, अगेन ये क्या चीज है, सेकंड तरीका इसको डिफाइन करने का क्या है, अभी तक मैंने सिर्फ छोटी छोटी कंडीशन बताई है तुम्हें, लेकिन इसको प्रॉपरली अब डिफाइन करने का तरीका क्या है ठीक। प्रॉपर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन है, मैं एग्जैक्ट एनसीईआरटी की तुम्हें डेफिनेशन बता रहा हूँ ठीक है, क्या चीज जा रही है एनसीईआरटी इसको किस तरीके से इनवर्स फंक्शन को डिपेंड करता है ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है कि ध्यान से देखो, अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इनवर्टिबल इफ there exists a function g from y to x, sorry capital x, such that g of is equal to identity function and fog is equal to identity function, but ye identity function hoga jo f ke andar input jane wala hai, f ke andar input jata hai x wala, to ye identity function of x hoga, ye आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई होगा। देन फंक्शन जी इज द इनवर्स ऑफ एफ एंड इज डिनोटेड एज एफ इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स जो होगा वो एफ एफ ऑफ एक्स का इनवर्स होगा एंड डिनोटेड होगा ऐसे ठीक है। ये प्रॉपरली डेफिनेशन है ठीक है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ध्यान से समझने की कोशिश करो, पहली बात तो उसने कहीं पर डिफाइन नहीं किया कि एफ जो है, मतलब कहीं पर प्रूफ करने की कोशिश नहीं की, डिफाइन नहीं प्रूफ करने की कोशिश नहीं की कि पहली बात तो एफ का एफ इन्वर्टेबल है, एफ का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो वन वन होता है ठीक है, कहीं पर नहीं बोला उसने ठीक। तो हम ना दो तरीकों से इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, एक तो पहला जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन क्या कि हमने प्रॉपरली प्रूफ किया f इनवर्टेबल है, यानी कि f 1112 है, बाइजेक्टिव है तो f 1112 है ठीक, बाइजेक्टिव है, अगर ये चीज हो गई तो यानी कि f इनवर्टेबल है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स को डिफाइन किस तरीके से करना वो बात की बात है, लेकिन f इनवर्स को सॉरी f इनवर्स जो होगा वो करेगा क्या ठीक। तो f अगर अल्फा को बीटा के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है तो जो इसका इनवर्स है वो क्या करेगा, वो बीटा को अल्फा के साथ रिलेट करेगा ठीक है। तो ये तो f आ गया, मतलब ये फर्स्ट टाइप की डेफिनेशन आ गई। और सेकंड टाइप क्या बोलती है, इसके अंदर हमें इन्वर्टेबल उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं ठीक, तो 1112 प्रूव नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि अगर हमें ऐसी कंडीशंस मिल जाएं जो क्या करें, ये गॉफ को एंड फॉग दोनों को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर दें राइट। तो ये चीज इसने बोली कि अगर एफ हमारे पास एक्स टू वाई है ठीक, इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टेबल ठीक, अ फंक्शन इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, यानी कि इन्वर्टेबल अब प्रूव करने का तरीका क्या है एंड इनवर्स निकालने का तरीका। बाय द वे ध्यान से देखो ये चीज, इनवर्टेबल इज डिफाइंड टू बी इनवर्टेबल ठीक, देन जी जो होगा इज द इनवर्स ठीक। तो इनवर्टेबल प्रूव करना एंड इनवर्स निकालना ठीक, ये दोनों की दोनों चीजें जो है ये एक ही स्टेप में हो रही है यहाँ पे ठीक है, दो अलग अलग स्टेप नहीं है। क्या स्टेप है कि अगर हम ऐसा एक फंक्शन ढूंढ लें जो जी जो है वो वाई टू एक्स होगा, यानी कि उल्टा डिफाइंड होगा इसके ठीक, इसके उल्टा डिफाइंड होगा, सच दैट अगर गॉफ एंड फॉग हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमारा जो इनपुट दिया वही आउटपुट आ जाए, तो जाके जो जी है मैं बोलूंगा
ये पहली बात तो ये कंडीशन किसके लिए सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई ही इनवर्स फंक्शन के लिए होगी, इसके अलावा इनवर्स फंक्शन के अलावा ये कंडीशन को कोई सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को कोई भी और फंक्शन जो है एफ के इनवर्स के अलावा, जी को एफ का इनवर्स होना ही पड़ेगा जो मर्जी हो जाए, इसके अलावा इसको कोई और सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब क्या है कि जी एफ का इनवर्स है। अब यार खुद सोचो अगर इनवर्स ही एग्जिस्ट कर गया तो इन्वर्टेबल तो होगा ही, तो इसलिए वो चीज जो है वो इन्वर्टेबल भी हो जाती है। ठीक, तो ये सेकंड टाइप की डेफिनेशन जाती है आपकी। ठीक है, बाय द वे ये भी फर्स्ट जो डेफिनेशन है उसी से इंट्यूटिव है, या तुम फर्स्ट वाली बोल दो सेकंड से इंट्यूटिव है। ठीक, बट यस थोड़ा अलग अलग तरीका समझने का इन दोनों को। ठीक है, अच्छा बाय द वे अभी तक मैंने सिर्फ डेफिनेशन समझाई है इनवर्स फंक्शन की। ठीक है, एंड एग्जाम्पल दी है वो स्टार्टिंग में जो दी थी, ठीक, 1 1 1 2 वगैरह मेन 1 वगैरह लेके। हाँ जी, तो प्लीज अभी तक बताओ कोई डाउट है किसी को तो। आदित्य क्लियर हुआ तेरे को? हाँ भाई। यस सर। अनन्या? यस सर। अर्णव, चिराग, दक्ष? क्लियर सर। सर आइडेंटिटी बताना क्या होता है, वो थोड़ा आइडेंटिटी का इशू हो गया सर। यस सर, आइडेंटिटी बताता हूं क्या होता है। हाँ जी, दक्ष क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, दिया, काव्या, राजवीर, स्तुति? यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक ठीक। चिराग, बेसिकली ये जो फंक्शन होता है ना y equal to f of x is equal to x, बेसिकली ये जो फंक्शन होता है इस फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, y equal to x फंक्शन जो होता है, या बेसिकली फंक्शन क्या है कि जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो इस फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर भी वही चीज हो रही है कि ध्यान से देखो, जो गोफ है गोफ के अंदर जो इनपुट जा रहा है वही आउटपुट आ रहा है, एंड फोक के अंदर जो इनपुट जा रहा है वही आउटपुट आ रहा है, तो फोक एंड गोफ दोनों के दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हो जाते हैं। ठीक, तो ये दोनों के दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हो जाते हैं, जो इनपुट जा रहा है वही आउटपुट आ रहा है, तो इसलिए इनको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन किस सेट का आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि ये जो आउटपुट आएगा इसका आइडेंटिटी फंक्शन का जो आउटपुट आएगा, जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा, लेकिन वो कौन से सेट का होगा, वो ए सेट का होगा या बी सेट का होगा। राइट, तो इसके अंदर जो इनपुट जा रहा है वही आउटपुट आएगा, और इनपुट एफ का सेट का है, एफ सेट का इनपुट होता है सेट ए का, यानी कि ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा सेट ए का और ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा सेट बी का। ये समझा थे आप? यस सर। हाँ, ये चीज थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन करने की कोशिश। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, डेफिनेशन क्लियर हुई? ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देखो इसकी, एफ ऑफ एक्स, पहला f of x is equal to e की पावर x, एंड f inverse x इसका जो डिफाइंड होगा वो ln x होगा, log ex, log ex मतलब ऐसे ln x भी लिखते हैं, तो ln का मतलब ही log base e होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अब जानते हो, जैसे एग्जांपल x को 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, e की पावर 1, दैट इज e, इसके अंदर x को 1 लिया, सॉरी x को e लिया, इनपुट उल्टा हो जाएगा ना, ये ऐसा हो जाएगा ऐसा, अब y की वैल्यू देखो क्या आएगी, log e क्या होता है 1। ठीक, तो एग्जैक्टली उल्टा डिफाइन हो रहा है, एग्जैक्टली उल्टा है। ठीक है, अब निकालना कैसे इनवर्स फंक्शन वो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इनवर्स फंक्शन को एग्जांपल दे रहे हैं कि हाँ ये यहाँ पे ये दोनों इनवर्स फंक्शन होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अच्छा अब जैसे एक और एग्जाम्पल देखो। ठीक, तो लेट्स से मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर पी ऑफ एक्स है, ठीक, एक्स क्यूब, तो इस तरीके से हमने क्या डिफाइन किया, p इनवर्स x, दैट इज x की पावर 1/3। ध्यान से देखो, अगर मैंने 3 लिया इनपुट, ठीक, x की वैल्यू 3 ली, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 27। ऐसे इसके अंदर x की वैल्यू 27 लो, उल्टी जो y है वो इधर इनपुट हो जाएगा, जो इधर का आउटपुट है वो इधर इनपुट हो जाएगा, तो x की वैल्यू अगर 27 है, खुद सोचो, राइट, तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, x 3 है, y 23, 27, x 27 है तो y 3 होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये अल्फा, अगर ये अल्फा को मैं बीटा है 3,27 है, तो यहाँ पे 27,3 को सेटिस्फाई करेगा, ये इस तरीके से। ठीक, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगेन कि अगर मान लो ऐसा है a b c d f, ये यानी कि f क्या करता है, f of a is equal to b, यानी कि
एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल टू डी, मतलब एफ के अंदर, एफ ऑफ एक्स के अंदर जो ऑर्डर पेयर है वो क्या आ रहे हैं, ए कोमा बी आ रहे हैं एंड सी कोमा डी आ रहा है, तो जो एफ इनवर्स डिफाइन होगा एक इसका ही एफ इनवर्स होगा, एफ इनवर्स के अंदर इनपुट जाएगा बी तो आउटपुट आएगा ए, ठीक, इसका उल्टा डिफाइन होगा, ऐसे इसका उल्टा एफ इनवर्स डी वुड बी इक्वल टू सी, ठीक। एंड हम ये बोलेंगे कि जो एफ इनवर्स है ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंगली, ठीक, वो ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, बी कोमा ए हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा डी कोमा सी हो जाएगा, ठीक, ये एफ इनवर्स के अकॉर्डिंगली इस तरीके से डिफाइन होगा। हाँ जी, इस तरीके से ये एफ इनवर्स डिफाइन होगा, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक। तो एफ एंड एफ इनवर्स इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं डिफाइन करने की, ठीक है। चलो अभी आगे चल रहे हैं, ठीक, ध्यान से देखना ये चीज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, बाय द वे अभी तक मैंने इनवर्स निकालने का तरीका नहीं बताया, ठीक, मैंने ये बताया कि इनवर्स क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इनवर्स को निकालना कैसे वो नहीं मैंने बताया, वो आगे जाके अभी आएगा थोड़ी देर में, ठीक। अब ध्यान से देखो, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन विल एग्जिस्ट इफ एफ इज बाइजेक्टिव, ठीक, अगर बाइजेक्टिव नहीं है, वन वन ऑन टू नहीं है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। तो एंड मतलब इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो हमें उसको 1102 यानी कि बाइजेक्टिव ही प्रूव करना है इस तरीके, ठीक है। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, चलो आ जाओ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है। चले आगे फिर, चलो हाँ जी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ठीक। सेकेंड चीज क्या जाती है हमारी कि बेसिकली यार ऐसा है कि अगर एफ इज फ्रॉम ए टू बी है तो जो जी है वो बी टू ए होगा। जी का मतलब क्या है कि एफ इनवर्स जो है, ठीक, वो बी टू ए होगा, यानी कि एफ का जो डोमेन है, ठीक, वो यहाँ पे एफ इनवर्स का क्या बन जाएगा, कोडोमेन, यानी कि वो एफ इनवर्स का कोडोमेन होगा, ठीक। एंड जो एफ का कोडोमेन है, ठीक, वो एफ इनवर्स का डोमेन बन जाएगा, वो इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक। अच्छा एक और चीज, क्योंकि एफ जो है वो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो रेंज है वही कोडोमेन है, यानी कि यहाँ पे ये जो वर्ड मैं कोडोमेन यूज कर रहा हूं, इसकी जगह पे मैं रेंज भी लिख सकता हूँ, कोडोमेन आना है, इसकी जगह पे मैं रेंज भी लिख सकता हूँ,
ठीक, तो याद रखना रेंज एंड कोड में जो होता है वो इनवर्स फंक्शन के केस में या ऑन टू फंक्शन के केस में, बजेक्टिव फंक्शन के केस में सेम चीज होती है, इसलिए इस तरीके से ये चीज भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जैसे हमने मैट्रिसेस के अंदर बोला था कि a इंटू b इज इक्वल टू i एंड b इंटू a इज इक्वल टू i हो जाए, तो a इज b का इनवर्स एंड b इज a का इनवर्स। वही चीज इधर भी चलेगी, अगर golf इज इक्वल टू i हो जाए एंड fog इज इक्वल टू i हो जाए, ठीक, तो f इज द इनवर्स ऑफ g एंड g इज द इनवर्स ऑफ f। मैं ये भी बोल सकता हूँ, मैं दोनों को बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं g को f का इनवर्स एंड f को g का इनवर्स भी बोल सकता हूँ। तो यानी कि if f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ठीक, ध्यान से देखो ऐसा लिखते हैं, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ठीक, ये अगर x है, ठीक, एंड f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x है, मैं ये बोल सकता हूँ कि f इज इनवर्स ऑफ f इनवर्स, ठीक, यानी कि f इज द इनवर्स ऑफ f इनवर्स x, यानी कि f इनवर्स का दोबारा से इनवर्स करूंगा तो वो f आ जाएगा, दैट इज f इनवर्स ऑफ x का फिर से इनवर्स करूंगा तो वो जाके f आएगा। तो कहने का मतलब एक फंक्शन का दो बार इनवर्स करूंगा, राइट, तो f इनवर्स ऑफ इनवर्स, राइट, तो वो f आ जाएगा। ये वही चीज आ गई जो मैट्रिसेस में होती थी, a इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो वापस e आ जाता है, राइट, ये भी वही चीज है कि f इनवर्स का वापस से इनवर्स करूंगा तो वापस वो f आ जाएगा, ठीक, हाँ जी, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट बेसिकली ये चीज है कि a अगर सॉरी अपना f अगर g का इनवर्स है तो g भी f का इनवर्स होगा, ठीक, ये पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या जा रहा है कि ये अपना थोड़ा समझने वाला चीज है, ठीक, ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना क्या चीज हो रही है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, ठीक, हाँ जी चिराग, यस सर, अच्छा चिराग मेरे को ये चीज बता, अगर ये y इक्वल टू x लाइन है, ठीक, y equal to x, let's say there is a point alpha comma beta, तो इसका mirror image क्या होगा? Beta comma alpha, हाँ जी, ये सबको clear है ना कि alpha comma beta, ठीक, अगर alpha comma beta का मैंने y equal to x mirror में mirror image लिया तो उसका x and y interchange हो जाएगा, ठीक है। इसमें please किसी को doubt है तो please बताओ, ठीक, कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मेरे पास पॉइंट है, अच्छा मैं एक और चीज तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड को, ये बाय द वे 11th वाली चीज है, ठीक, बट स्टिल कई बार इजी कर देता है हमारा देखने में, अच्छा लेट्स टेक दिया, हेलो दिया, स्तुति, हाँ जी सर, स्तुति एक चीज बताओ, ये y इक्वल टू x लाइन है तो 1,2 पॉइंट जो है ये ऊपर लाई करेगा या नीचे लाई करेगा? ऊपर, क्यों? सर क्योंकि वो जो लाइन है वो नीचे आएगी 1,2 के। अरे क्या बात है, ए अगर बी के नीचे तो बी ए के ऊपर ही होगा, हैं? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट बड़ा है उससे एक्स से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रीजन स्तुति आपका भी ठीक है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए बट ठीक है, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये एरिया जो है ऊपर आने वाला, ठीक है, अब तुम्हें याद होगा स्ट्रेट लाइन क्या करता है, पूरे प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक ऊपर एक नीचे, राइट। तो अगर ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो ऊपर या तो ग्रेटर देन होगा नीचे लेस देन होगा, या ऊपर लेस देन होगा नीचे ग्रेटर देन होगा, ज्यादा इनइक्वालिटी क्या करती है, ठीक।
तो वही काम इधर हो रहा है, तो ऊपर क्या होता है हमारा y इज ग्रेटर देन x होता है और नीचे होता है y इज लेस देन x होता है। ठीक, यहाँ पे बेसिकली ये चीज, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस कम होगा, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का x ज्यादा होगा y कम होगा, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट का हाइट ज्यादा होगी एंड x कम होगा। ठीक, तो इसलिए y इज ग्रेटर देन x, इधर y इज लेस देन x, बात समझे? ठीक, तो ये थोड़ा सा ना हमें बताता है कि पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये चीज थी, तो मैं एग्जांपल यही देना चाहता था। सर बट ये कंडीशन हमेशा तो नहीं ना वैलिड। कौन सी कंडीशन? जो x is greater than y और y is greater than x वाली, यही वाली हमेशा वैलिड? मतलब देखो इस लाइन के ऊपर ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को ये वैलिड करना ही पड़ेगा, ये ट्रू होगा ही होगा उसके लिए। ठीक है, ठीक है, बेसिकली ये सारे के सारे एरिया के लिए है ना, लाइन के ऊपर वाला एरिया, ऐसे लाइन के नीचे वाला जो एरिया है उसके लिए हमारा y is less than x है, ये सारे के सारे के लिए। ठीक, ओके दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छा मैं एग्जांपल क्या देने वाला था कि अगर 1.2 है तो 1.2 देखो ऊपर एग्जिस्ट करेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने ये चीज बोली 1.2 अगर यहाँ पे, तो y equal to x line है, तो इसका जो मिरर इमेज आएगा वो क्या बन जाएगा मेरा 2.1। हाँ जी आदित्य, क्लियर हुआ भाई तेरे को? यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। अब हमारा पॉइंट क्या है कि अल्फा कोमा बीटा का बीटा कोमा अल्फा होगा, पहली बात तो ये, ठीक है, ये चीज हम बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो कि अगर ये चीज है ऐसे करके, यानी कि ये कोई ना कोई फंक्शन के ऊपर आ रहा है अल्फा कोमा बीटा, ठीक, ये कोई ना कोई एफ ऑफ एक्स के ऊपर आ रहा है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ऊपर आ रहा है। ठीक, तो ये जो चीज है राइट, ये किसके ऊपर आएगा? हाँ जी, ये जो चीज है ये किसके ऊपर आएगा? ये उसके इनवर्स फंक्शन के ऊपर आएगा, यानी कि y इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक, तो अब ध्यान से देखो ये चीज, ठीक है, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है कि अगर अल्फा कोमा बीटा एफ को सेटिस्फाई करता है तो उसका उल्टा पॉइंट जो है वो एफ इनवर्स को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये अगर एफ को सेटिस्फाई करते हैं तो इसके मिरर इमेज वाले पॉइंट जो होंगे जिनके लिए एक्स एंड वाई उल्टा हो जाएगा वो तो सारे के सारे पॉइंट्स इनवर्स फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इन पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन जो है अगर एफ बना रहा है तो इनका मिरर इमेज का कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा? एफ इनवर्स बनाएगा। तो कहने का बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि अगर मैंने एफ ऑफ एक्स का y इक्वल टू x लाइन में मिरर इमेज ले लिया तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा? दैट इज नथिंग बट इनवर्स फंक्शन। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक, तो इसका मतलब क्या चीज है, ये जो पॉइंट था हमारा, ये क्या चीज है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x विल बी द मिरर इमेज of y equal to f of x in the line mirror y equal to x। ठीक, तो बेसिकली ये दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन। ठीक, मिरर इमेज का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों जो है ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। f इनवर्स का मिरर इमेज होगा, एफ इनवर्स जो है वो एफ का मिरर इमेज। ठीक है, इसलिए हमने ये जो लॉग एंड एक्सपोनेंशियल के अंदर हमने क्या बोला था कि ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन है, इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इस तरीके से ये लॉग फंक्शन जाएगा। ठीक, अच्छा अगर ये एक्स क्यूब है, ठीक, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका इनवर्स फंक्शन अभी हमने क्या देखा था एग्जाम्पल के तौर पर, ये दैट इज वाई इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, तो इस तरीके से इसका इनवर्स फंक्शन। ठीक, ये चीज थी, तो ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट डिफाइन करेगा कि इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका क्या होगा। ठीक है, ये उस चीज को डिफाइन करना शुरू करेगा। ठीक है, इनवर्स फंक्शन को निकालने का तरीका क्या होगा, तरीका क्या होगा, ये उस चीज को डिफाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है, कि इस तरीको इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, तो हम ये चीज बोल रहे हैं, ठीक, कि अगर एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा है,
ठीक, या फिर एक्स और वाई की फॉर्म में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है, ये चीज। तो हम ये बोल रहे हैं कि सेम चीज के लिए क्या हो जाना चाहिए कि जो इनवर्स फंक्शन है, ठीक, इनवर्स फंक्शन के अंदर इसका जो आउटपुट है वो इसके अंदर इनपुट जाना चाहिए, राइट, तो ये इनपुट जाना चाहिए एंड जो इधर का इनपुट है वो इधर आउटपुट आ जाना चाहिए एक्स, राइट। तो ये चीज का जो इनवर्स फंक्शन है वो ये चीज होगा, राइट। इसके अंदर क्या है, देखो वाई इक्वल टू एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक, बेसिकली वाई इक्वल टू एवरीथिंग, वाई इक्वल टू एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये चीज है। और यहां पे क्या है, एक्स इक्वल टू एवरीथिंग, ठीक, एक्स इक्वल टू एवरीथिंग, और ये जो एवरीथिंग है दैट इज इन टर्म्स ऑफ पाई एक्स, दिस इज इन टर्म्स ऑफ पाई एक्स, ठीक। तो अगेन ध्यान से देखो क्या चीज है कि वाई इक्वल टू एवरीथिंग अगर किया हमने तो वो आ जाएगा फंक्शन, ठीक, और अगर उसी का हमने एक्स इक्वल टू एवरीथिंग कर दिया तो वो बन जाएगा इनवर्स फंक्शन, यानी कि एक्स इक्वल टू एवरीथिंग कर दिया वो बन जाएगा इनवर्स फंक्शन, लेकिन वो इनवर्स फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक, इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मान लो y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है, ठीक, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है, तो मैंने क्या किया, ये y इक्वल टू एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ x है, ठीक, y इक्वल टू एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ x है। अब मैंने क्या किया, y माइनस 4 बाय 3, ये x आ गया, तो ये जो चीज आई, अब ये x इन टर्म्स ऑफ, मतलब सब कुछ x इक्वल टू एवरीथिंग आ गया, अब ये जो x इक्वल टू एवरीथिंग है ये सब कुछ y की फॉर्म में, राइट। अब ये जो चीज आई, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, अब ध्यान से देखो, ऊपर हमने x इक्वल टू एवरीथिंग करके जो चीज आएगी उसको क्या बोलेंगे, f इनवर्स ऑफ y। तो याद रखना ये जो चीज है ये हमारी बन जाएगी f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y बन गया मेरा y माइनस 4 बाय 3, यानी कि ये जो फंक्शन है ये f ऑफ x है, बाय द वे, ठीक, तो f ऑफ x का जो इनवर्स फंक्शन है ये बन गया, ठीक। अच्छा, वेरिएबल का ही है नाम, और कुछ नहीं, वेरिएबल के नाम के चक्कर है और कुछ नहीं। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि वापस अब जाके y को नाम चेंज करके मैंने x बोल दिया, तो यानी कि f इनवर्स ऑफ x क्या बन जाएगा, मेरा x माइनस 4 बाय 3 बन जाएगा। तो ये बोल दो चाहे ये बोल दो, याद रखो ये इसका इनवर्स फंक्शन है। तो करने का तरीका क्या हुआ, जो y इक्वल टू एवरीथिंग है ये चीज में से बेसिकली x लाना है, x इक्वल टू एवरीथिंग करूंगा तो जो चीज बनेगी वो मेरी क्या बन जाएगी, इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, बात करो। अब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, और ये जो चीजें हैं ये अब y इक्वल टू किया तो ये जो दो चीजें बनेंगी ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस रहेंगी y इक्वल टू रहेंगे। हाँ जी, प्लीज बताओ, इसमें कोई डाउट, बिल्कुल बेसिक थ्योरी से लेके चला हूं मैं, ठीक है, ये पॉइंट तुम्हारा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट था बाय द वे, ठीक, क्या था कि अगर x इनपुट है f का, y आउटपुट है, तो इनवर्स फंक्शन के अंदर उल्टा हो जाएगा, y इनपुट हो जाएगा, x आउटपुट हो जाएगा, ठीक, यानी कि अगर y इक्वल टू f ऑफ x है तो x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y होगा, ठीक। सबसे पहले तो हमने ये चीज डिफाइन करने की कोशिश की, ठीक, तो ये चीज होगा। अब हमने फिर क्या चीज बोली, ठीक, कि y इक्वल टू एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब इन टर्म्स ऑफ x अगर है तो वो फंक्शन होगा, एंड उसी के अंदर अगर हमने x इक्वल टू एवरीथिंग कर दिया इन टर्म्स ऑफ y कर दिया तो वो इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देने के लिए मैंने क्या किया, y इक्वल टू 3x प्लस 4 लिया तो x इक्वल टू एवरीथिंग कर दिया तो वो बन जाएगा y माइनस 4 बाय 3, तो ये जो चीज है दिस इज नथिंग बट f इनवर्स ऑफ y बन जाएगा, तो ये f इनवर्स ऑफ y आ गया। अब वेरिएबल का नाम चेंज करके मैं x दे दूंगा, ठीक, ये देना दो नहीं देना मत दो, ये दोनों के तरीके से लिख सकता हूँ, f इनवर्स ऑफ x को भी मैं इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, f इनवर्स ऑफ y को भी। बेसिकली इनवर्स फंक्शन जो होता है वो वेरिएबल के नाम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक, तो नाम मैं x भी दे सकता हूँ जनरली, क्योंकि इनपुट को x से डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स में, तो इसलिए y की जगह वापस x डाल दिया, अलवेज ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो x माइनस 4 बाय 3 आ गया, इस तरीके से हमने इनवर्स फंक्शन को डिफाइन किया। तो ये इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका है, बाय द वे, ठीक है। तो क्या चीज है, अब ध्यान से देखो ये चीज, ठीक है, ध्यान से देखना, फाइंडिंग इनवर्स, ठीक। तो इसके अंदर स्टेप वन क्या चीज आ रही है कि चेक फॉर द, चेक इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव ऑर नॉट, चेक इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव ऑर नॉट,
एक फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, यानी कि वन वन ओ टू है या नहीं है, ठीक। तो बेसिकली अगर वो बाइजेक्टिव के अलावा कुछ आया, यानी कि वन वन ओन टू के अलावा कुछ आया, मैनी वन आ गया या इन टू आ गया, कोई भी इन दोनों में से आ गया, तो वो इन्वर्टेबल नहीं होगा, उसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो वहीं पे हम खत्म कर देंगे, ठीक। अगर तो स्टेप वन हमारा पास हुआ तो ही हम आगे जाएंगे स्टेप टू की। और स्टेप टू क्या बोलता है हमारा, ठीक, स्टेप टू क्या बोलता है कि इफ इन्वर्टेबल, यानी कि अगर स्टेप वन हमारा क्लियर हो गया, देन इंटरचेंज एक्स एंड वाई, यानी कि बेसिकली इंटरचेंज एक्स एंड वाई छोड़ दो, बेसिकली क्या चीज है कि y इक्वल टू एवरीथिंग को, ठीक, जिसको हम f ऑफ x बोल रहे हैं, ठीक, इसके अंदर से क्या करो, ट्राई टू कैलकुलेट x इक्वल टू एवरीथिंग में कन्वर्ट करो इसको, ठीक, एंड उसको नाम दे देंगे हम f इनवर्स, ठीक। तो यानी कि इस तरीके से हमारा f इनवर्स आ जाएगा, f इनवर्स y आ जाएगा, ठीक। अच्छा, जैसे f इनवर्स ऑफ y आ गया, देन स्टेप थ्री हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज, मतलब इंटरचेंज नहीं, मैं ये बोलूंगा कि चेंज वेरिएबल y विद x, फिर y जो वेरिएबल y है उसको x के साथ चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने ध्यान से देखो, ये स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री, यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ से जैसे हमने ये x इक्वल टू एवरीथिंग कर दिया, ये हमारा स्टेप वन, तो चलो वन वन ऑन टू है, वो हमने यहाँ पे नहीं किया, ये स्टेप टू, ठीक, ये स्टेप टू कर दिया, ठीक। जैसे स्टेप टू कर दिया, फिर इसके बाद y की जगह x डालते हैं, तो ये स्टेप थ्री हो गया। अब ये आके ये चीज, और देखो मैं बेसिकली पता क्या चीज है, जैसे जनरली y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो f इनवर्स ऑफ y अगर है, इसको मैं y नहीं बोल सकता, ठीक, क्योंकि ये दोनों के दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, जो इनपुट है वही आउटपुट नहीं मैं बोल सकता, इसलिए पहले इसको x बोला, फिर जैसे ये f इनवर्स ऑफ x बन गया, उसको मैंने y के बराबर किया, इस तरीके से ये चीज समझने की कोशिश करनी, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले ये जो चीज है इसको x में कन्वर्ट किया, फिर उसको y इक्वल टू बोला, देखो यहाँ पे मैंने y इक्वल टू नहीं बोला, ठीक है, तो इसलिए x में कन्वर्ट कर दो, ज्यादा इजी रहता है, ठीक है, ये चीज है। तो इसलिए हमने क्या बोला कि जो y इक्वल टू एवरीथिंग है, उसको पहले x इक्वल टू एवरीथिंग लेके, उसको मैंने f इनवर्स ऑफ y बोला, और वो f इनवर्स y के अंदर हमने क्या किया, y विद x हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलो ये ना मैं एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करता हूँ, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि फाइंड इनवर्स, फाइंड f इनवर्स इफ एग्जिस्ट where f is from 0 से लेके 1 to लेके 2 to infinity, ठीक, and f of x is equal to x plus 1 by x, ठीक है, ये चीज। अब ध्यान से एक चीज चेक करना, ठीक है, इसका सोल्यूशन, ठीक है, स्कूल लेवल पे अगर ये चीज आ गए तो इसको 1 1 on 2 पहले बाइजेक्टिव प्रूव करना पड़ेगा, ठीक। तो पहले कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, अब याद है f इनवर्स x plus 1 by x का ग्राफ, इसका इसका ग्राफ होता ही है, ठीक है। अब इसके अंदर इनपुट क्या दे रहा है, पहली बार सारा का सारा तो दे नहीं रहा, क्योंकि सारा का सारा देखोगे तो इट्स ए मैनी वन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन को दो पॉइंट पे टकरा रहा है, इट्स ए मैनी वन, तो ये यानी कि मैनी वन है, तो यानी कि इसकी मैनी वन की तो बात नहीं कर सकते हम, इसका इनवर्स की बात नहीं कर सकते। अब उसने बोला है कि इनपुट जाना चाहिए 0 टू 1, सिर्फ ये इनपुट जाना चाहिए, ये इनपुट का मतलब है कि सिर्फ ये वाला ग्राफ। अब ध्यान से देखो, इसमें वो प्रॉपरली डिक्रीज करता जा रहा है। अब अगर एक फंक्शन एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर डिक्रीज करता है, तो वहां पे वो 1 1 होता है, ये ऑलरेडी हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी देखो, यानी कि ये 1 1 तो है। अब इसका रेंज क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, 2 से लेके इनफिनिटी। शुरू से बताना, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। चिराग, मैंने ये चीज बोली कि बेसिकली इसको 1 1 ऑन टू प्रूव करना, पहले कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अभी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, ठीक है। कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये देखा कि ग्राफ वगैरह बना लिया, ग्राफ अगर मैंने कम्प्लीटली देखा तो इट इज मैनी वन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को दो पॉइंट पे टकरा रहा है, ठीक, तो इट इज मैनी वन। तो पूरे के पूरे ग्राफ का तो हम नहीं बना सकते, इनवर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते, लेकिन हमने सिर्फ इस पार्ट के लिए इनवर्स फंक्शन देखना, राइट। तो ये वाला पार्ट क्या है, 0, 1 इनपुट है, यानी कि इनपुट है हमारा ये चीज, तो इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या है हमारा, 2, इन्फिनिटी, ये रेंज होना चाहिए। ध्यान से देखो जरा, चाहिए ये कोड में ना, ठीक, पहले तो ये देखा हमने 0, 1 के बीच में ये ग्राफ है, इसमें डिक्रीज करता जा रहा है, तो इट इज 1, 1 डेफिनेटली। अब इसका रेंज देखा क्या आ रहा है, रेंज आ रहा है 2 से लेके बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी, और वही कोड में दे रखा है, यानी कि ऑन टू भी है, इट इज, यस इट इज बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव होगा ही होगा,
अब जो स्कूल वाले मेथड को यूज करके करने की करोगे तब भी प्रोजेक्टिव आएगा ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अच्छा अब वहां पे ऑब्जेक्टिव करेंगे कैसे, ठीक है, बोलेंगे कैसे, वो बात अलग है, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये चीज, अब इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना। अब इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए y इक्वल टू x प्लस 1 बाय x लेके गए, तो यहाँ पे क्या बन गया, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 बाय x, तो y x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, तो 0 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y x प्लस 1, ठीक। ये x में क्वाड्रेटिक बन गई, जैसे x में क्वाड्रेटिक बनी x का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो x इक्वल टू क्या चला जाएगा, माइनस b यानी कि y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर माइनस 4 इनटू a दैट इज 1 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इनटू 1, तो यानी कि x की वैल्यू गई या तो y प्लस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 4 बाय 2 या x इक्वल टू y माइनस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 4 बाय 2, दो जा रही है। अब यह दो तो हो नहीं सकती, दोनों में से एक आएगा, अब वो कौन सा आएगा, तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉइंट क्या है हमारा, इफ मल्टीपल डेफिनेशंस आर ऑब्टेन्ड देन टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन चेक विथ अ पॉइंट और विथ रेंज एंड डोमेन, रेंज एंड डोमेन के थ्रू हम चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये चीज, कहने का मतलब ये चीज है कि इसको बिलोंग करने वाला कोई भी पॉइंट लो, ठीक, लेट्स से हाफ, हाफ फुट किया तो क्या जाएगा, हाफ प्लस हाफ का इनवर्स दैट इज हाफ का रेसिप्रोकल दैट इज 2, ये बन जाएगा 2.5, तो बेसिकली हाफ कोमा 2.5 यानी कि 5/2, ठीक। ये अगर f को सेटिस्फाई कर रहा है तो f इनवर्स को क्या सेटिस्फाई करेगा, 5/2.1, तो इन दोनों में से जो 5/2.1 को सेटिस्फाई करेगा राइट, वो मेरा इनवर्स बन जाएगा। और ध्यान से देखो इसमें डाला मैंने तो क्या बन जाएगा, देखो ये 5/2 माइनस समथिंग, ये क्या हो रहा है, माइनस समथिंग हो रहा है, तो क्या बन जाएगा जी, 5/2 माइनस 5/2 का स्केयर कितना हो जाएगा, 25/4 माइनस 4 अंडर द रूट, तो ये 4/4 16 हो जाएगा, 16 25 माइनस 16 किया तो कितना आ गया 9, तो ये 9/4 का स्केयर रूट हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक, ये चीज आ जाएगी। तो 5/2 माइनस 3/2/2 कितना हो जाएगा अपना, यदि 5/2 माइनस 3/2 इज 2/2, तो ये न्यूमरेटर वन आ जाएगा, तो बेसिकली 1/2 जा रहा है राइट, तो यहाँ पे जा रहा है ये 1/2, अच्छा 1/2 तो था, ठीक। अच्छा अगर यहाँ पे डालता, यहाँ पे डाल के क्या आ रहा है मेरा, देखो 5/2 प्लस 3/2/2 हो जाता, तो ये चला जाता मेरा 5/2 प्लस 3/2 इज मेरा 2, सॉरी अपना ये होता 4, तो ये चला जाता 4/2, तो ये चला जाता 2, तो यहाँ पे गलत है, ठीक। तो बेसिकली ये रिजेक्टेड है, ठीक, तो देयरफॉर एक्सेप्टेड आंसर इज x इज इक्वल टू y माइनस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 4/2, ठीक, ये डेफिनेशन एक्सेप्टेड है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये बना f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y बना y माइनस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 4/2, और f इनवर्स ऑफ x बना, ठीक, दैट इज x माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4/2, तो यानी कि अगर मेरा f ऑफ x है, ठीक, x प्लस 1 बाय x, उसका f इनवर्स x जाएगा ये, ठीक है। ध्यान से प्लीज स्टेप बाय स्टेप चेक करो, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज बताओ। सर चेक करने वाला फिर से बता दो, चेक करने वाला 1/1/2 था, नहीं सर वो कि कौन सा वाला डेफिनेशन फॉलो करनी है। हाँ तो बेसिकली देख हमने एक बड़ी सिंपल सी चीज बोली थी कि अगर f of x में अल्फा कोमा बीटा सेटिस्फाई करता है तो f इनवर्स में बीटा कोमा उसका उल्टा ऑर्डर पर बीटा कोमा अल्फा सेटिस्फाई करेगा राइट, तो हमने क्या किया इसके अंदर कोई भी एक इनपुट आउटपुट यहाँ पे डोमेन को बिलोंग करने वाला इनपुट लिया, ठीक, तो मैंने 0 and 1 के बीच में एक पॉइंट ले लिया हाफ, तो हाफ इनपुट दिया तो यहाँ पे आ रहा है 5/2, यानी कि हाफ कोमा 5/2, ये थोड़ा यहाँ पे क्या आ रहा है हाफ कोमा 5/2 बिलोंग्स टू f, ठीक है, तो ये f को बिलोंग कर रहा है, तो इसका उल्टा ऑर्डर पेयर जो है 5/2.5 ये f इनवर्स को बिलोंग करेगा। अब दोनों में हमने क्या किया इनपुट दिया, क्या इनपुट देंगे अब 5/2, ठीक, तो 5/2 हमने y की जगह रखा, तो 5/2 y की जगह रख के हमने ये देखा कि आउटपुट हाफ किसका आ रहा है,
वो इसका नहीं आ रहा था, इसका आउटपुट आ रहा था टू, तो ये रिजेक्टेड हो गया, ये एक्सेप्टेड हो गया। हाँ जी, क्लियर हुआ अर्नव? यस सर। ठीक, उल्टा ऑर्डर पे सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बाय द वे, ध्यान से देखना चीज इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये चीज अब ध्यान से देखो। तुम्हें मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जब इन्वर्स डिफाइन करने की कोशिश की थी, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इन्वर्स डिफाइन करने की कोशिश की थी, तो मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स जो होता है वो एज इट इज नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो मिनिमम होता है, वो डेफिनेशन के अगेंस्ट चला जाता है। इसलिए उसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसका हम इन्वर्स डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जहाँ पे वो 1 1 2 होता है, जहाँ पे वो बाइजेक्टिव होता है, सिर्फ उसी पार्ट का इन्वर्स डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर कोई पार्ट आ रहा है, इसका इन्वर्स डिफाइन करने की कोशिश हम नहीं कर सकते, ठीक, कर ही नहीं सकते इनफैक्ट। बट यार ऐसा होता है कि जो भी मेनी वन वाला होता है, उसके अंदर हर एक पार्ट का अलग इन्वर्स निकलता है। यानी कि कहने का मतलब ये कि इसका, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, इसका इन्वर्स अलग आएगा, और ये वाला जो अलग से पर्टिकुलर पार्ट है, ये वाला, इसका इन्वर्स जो है वो अलग आएगा, ठीक। और वही कारण है हमें दो डेफिनेशन मिले, क्या मिला, that is y plus under root of y square minus 4 by 2 and एक मिला y minus under root of y square minus 4 by 2, ये मिला f inverse of y, ये भी मिला f inverse of y, और f inverse of x की फॉर्म में ये ऐसा जाएगा एंड ये ऐसा जाएगा ये। अब ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये इनवर्स है इसका एंड इसका, एंड ये जो इनवर्स है ये इसका है, ये इसका, ठीक, क्यों, क्योंकि देखो 5 by 2 इनपुट दिया था मैंने, ठीक, यहाँ पे इनपुट दिया था 5/2, तो आउटपुट क्या आ रहा था, एक 2 आ रहा था, एक हाफ आ रहा था इधर से, राइट। अब खुद सोचो, यहां पे ध्यान से देखो, इनपुट दिया मैंने हाफ, तो हाफ इनपुट देने पे आउटपुट आ रहा है 5/2, ठीक। अब ध्यान से देखो, y इक्वल टू x प्लस 1/x है, इसके अंदर अगर मैंने हाफ इनपुट दिया तो क्या जा रहा है, हाफ प्लस हाफ का रेसिप्रोकल दैट इज 2, तो दैट इज 5/2, ठीक। लेकिन अगर मैंने 2 इनपुट दिया तो x इक्वल टू हाफ पे ये चीज जा रही है, अगर x इक्वल टू 2 पे इनपुट दिया तो 2 पे भी क्या जा रहा है, 2 प्लस 1/2, ठीक, तो इस पे भी 2 प्लस 1/2 5/2 जा रहा है, यानी कि हाफ पे एंड 2 पे आउटपुट सेम आ रहा है, और ये पॉइंट जो है ये हाफ बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो हाफ पे एंड 2 पे आउटपुट सेम आ रहा है 5/2, ठीक। तो यानी कि इनपुट 5/2 दूंगा, आउटपुट मेरा या इनवर्स फंक्शन के अंदर अगर इनपुट 5/2 दूंगा तो हाफ इनपुट आएगा मेरा जो इसका इनवर्स होगा, एंड 2 आउटपुट देगा मेरे को जो इसका इनवर्स होगा, तो 2 आउटपुट कौन दे रहा था, ये, इसलिए ये जो चीज है ये मेरे को देगा इसका इनवर्स, एंड ये दे रहा था हाफ, तो ये होगा इसका इनवर्स। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? तो यहाँ से ये भी चीज ढूंढी जा सकती है कि कौन सा डेफिनेशन जो है वो किसका इनवर्स है, एंड ये इसका, हमें इसका इनवर्स ढूंढना था, राइट। तो इसका इनवर्स ढूंढने के लिए हमने फिर एप्रोप्रिएट लिखे। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज सारे बताओ जरा, इनवर्स फंक्शन क्लियर हुआ, कैसे करना, क्या करना है? हाँ जी, यस सर। ठीक, गुड। दिया, क्लियर हुआ आपको अभी? यस सर। आदित्य भाई, क्लियर हुआ? अनन्या? यस सर। ठीक, काव्या, राजवीर, स्तुति, चिराग, क्लियर हुआ तेरे को? यस सर। ठीक है, किसी को डाउट आ रहा, कोई बोल रहा था अभी, किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। हाँ जी, चले आगे चले फिर। ठीक, अच्छा ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक ठीक है, आगे एग्जांपल है, क्वेश्चन है, ठीक है, एंड इनफैक्ट काफी स्कूल लेवल के क्वेश्चन है जो तुम्हें अभी करवाने हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देख लो, इनके डिफरेंट मेथड्स लेकर होंगे,
ठीक है, आई थिंक यार टाइम हमें ज्यादा लगेगा वो क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है कोई नहीं, यहीं से कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो वैसे भी टाइम हो गया तो यहीं से कल कंटिन्यू करते हैं।